हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और मैंने यूपीपीसीएस 2022 में रैंक 41 सिक्योर किया है। और मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि अब तक की मेरी जर्नी कैसी रही और क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, डूज एंड डोंट्स। और ये शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि शायद मे भी अगर आप ये देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, और आपका भी अगर इस तरह का अप्रोच या इससे मिलता जुलता अप्रोच अगर आपका रहता है तो फॉर श्योर अपकमिंग वैकेंसीज में आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो। तो 2020 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से BLLB ऑनर्स कंप्लीट किया, और उसी पढ़ाई के दौरान मेरे दिमाग में ये था कि मेरी बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड में कोई एडवोकेट नहीं है ना कोई जज है, और मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ जिन्होंने BLLB ऑनर्स कंप्लीट किया और जुडिशरी क्रैक किया। तो ये एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। तो 2020 में कंप्लीट करने के साथ ही मैं तैयारी में लग गया कि मुझे एनी हाउ जुडिशरी क्रैक करना है, और उसके पहले भी मैं फोर्थ ईयर से लगभग सीरियस हो गया था कि मुझे एडवोकेट नहीं बनना, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है और मुझे एनी हाउ जुडिशरी क्रैक करना है। तो अब यूपी के लिए मैं ज्यादा सीरियस था क्योंकि मेरा होम स्टेट है यूपी, और अदर स्टेट्स को मैंने ये सोचा था कि पहले मैं यूपी का एग्जाम अच्छे से दे लूंगा और अगर मेरा यूपी में नहीं हो पाता है तो मैं अदर स्टेट्स को प्रीफर करूंगा। यूपी की वैकेंसी दिसंबर में आने तक मैंने ठीक ठाक अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी क्योंकि मैं पहले से इस तैयारी में लगा हुआ था। अब जब वैकेंसी आया तो मैंने प्री के लिए अप्रोच अपना रखना चालू किया। उसके पहले जो मेरा जो भी प्रिपरेशन था वो स्पेशली मेंस के लिए था। मैं सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर मेंस क्लियर होगा तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो अगर मैं प्री क्वालिफाई कर लूँ, मेंस भी फाइट कर लूँ, इंटरव्यू भी अगर मैं दे लूँ तो मैं कहीं ना कहीं फिर बाहर हो जाऊंगा। तो मेरा पूरे साल की जो तैयारी रही वो सिर्फ मेंस की रही। प्रिलिमिनरी के लिए मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया, पढ़ते थे लेकिन थोड़ा सा कम ध्यान दिया, लेकिन जब वैकेंसी अनाउंस हुआ तो एक थोड़ा सा एंजाइटी हुआ कि दिमाग में ये आया कि अरे मैंने तो प्री के लिए पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की है, मैं मेंस का अप्रोच रखा हूँ। तो फिर वहां से मैंने अपने प्री का ढंग से पढ़ना चालू किया, चीजों को कलेक्ट करके। प्री के लिए स्पेशली मैंने परीक्षा मंथन, ऑब्जेक्टिव, ओपी त्रिपाठी और सिंघल की जो पब्लिकेशन की जो बुक है अनसॉल्व, और जो स्टेट वाइज क्वेश्चन दिए हुए इनको मैंने प्रैक्टिस किया। और प्री का मेरा अप्रोच ये रहा कि बेरेट की एटलीस्ट एक से दो बार आपको रीडिंग होनी चाहिए, थॉरो रीडिंग, चाहे वो आप पहले पढ़ चुके हों या एग्जाम के दौरान पढ़े हों, लेकिन एटलीस्ट थॉरो रीडिंग एक से दो बार आपका होना चाहिए। एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो जिसको सब लॉ के प्रोविजंस, बेयर प्रोविजंस दिमाग में छपे हों, रटे हों। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपका हाफ ऑफ द पोर्शन तैयार हो, बाकी आपको हाफ ऑफ द वर्क करना है। तो ये अप्रोच था मेरा, और मैंने प्रिलिमिनरी को तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। एक वो कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाएंगे मोर और लेस, मतलब पॉसिबिलिटी 90 या 95% पॉसिबिलिटी रहती है उन क्वेश्चन की कि वो आएंगे आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है तो उसमें विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किस सेक्शन में दिया हुआ है और वो कौन डिसाइड करता है, किसको दिया जाता है, कितना दिया जाता है। ठीक ऐसे अगर किसी पर्सन को ग्राउंडलेसली हम अरेस्ट करते हैं तो उसका सेक्शन कहाँ दिया हुआ है और कितना कंपनसेशन उसे दिया जाता है, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आते ही आते हैं और ये आपको आनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप थोड़ा कॉम्पिटिशन से दूर रह जाओगे। तो जो प्रिलिमिनरी का जो मेरा अप्रोच था वो मैंने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो आपको हर हाल में मगअप करना है, दिमाग में बिठा लेना है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर सकते हैं, इसके अलावा एनी अमाउंट ऑफ फाइन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये मुझे आना ही चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा एक मिडिल अप्रोच था, इसके बाद का अप्रोच कि एक आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उन क्वेश्चंस की कि वो प्री में लॉ के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, तो एक वो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको भी आपको पढ़ना है। और थर्ड स्टेप था कि वो क्वेश्चन जो अनटच्ड है, जो शायद ही कभी पूछे जाए, तो उनको भी अगर आप देख पाते हो, इंडेक्सिंग दिमाग में रख पाते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये दिया है, तो ये आपका प्री कहीं भी रुकेगा नहीं। और उसके अलावा एक चीज कि आप एटलीस्ट एक से दो किताब
को ही सॉल्व करो और मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। आप कम से कम 3-4 बार उन्हीं किताब को बार बार सॉल्व करो। इससे होगा क्या कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे प्रेशर होता है और वहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म में भी होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो वहां पे आप अगर प्रेशर में देखते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वहां पे भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ मुझे कैसे चीजें, एक तो आपकी स्पीड मेंटेन होती है और दूसरी चीज कि आप ये तय कर पाते हो कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप अचानक से दोगे पेपर तो गलत होंगे। और कोशिश ये भी करो कि एग्जाम के पहले अगर आप कोई मॉक दे पाते हो 6-7-5 तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मेरा ये प्री का अप्रोच था और मेरे प्री में बहुत अच्छे नंबर थे। प्री के बाद जब मेंस की बारी आई तो 3 महीने का टाइम मिला था, लेकिन वैकेंसी आने से पहले मेंस की लगभग मैंने तैयारी ठीक ठाक कर ली थी। जैसे लोकल लॉ को मैंने ध्यान में रखा था कि लोकल लॉ को हर हाल में नहीं छोड़ना है, और लोकल लॉ प्लस आईपीसी जो उसमें इंक्लूडेड है तो इनको ढंग से करना है, क्योंकि आईपीसी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मेरा अप्रोच था कि मैं आईपीसी को इस तरीके से पढ़ूं कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन आए 50 नंबर के वो मैं कर ले जाऊं। इसके अलावा लोकल लॉ के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे छूट ना पाए और मैं कर ले जाऊं। तो उसके लिए परीक्षा मंथन की बुक थी जिसमें सभी जो 6 लोकल लॉज पेपर थे वो सारे कवर किए गए थे। तो वो अप्रोच था मेरा, उसको मैंने कम से कम 3-4 बार मैंने वैकेंसी के आने से पहले मैंने उसे पढ़ा था एटलीस्ट 3-4 बार उन लोकल लॉ को। और जैसे 2022 जनवरी से लेके जब तक वैकेंसी नहीं आ गई थी मैंने सिर्फ मेंस के लिए पढ़ाई की थी। 2021 में प्री का अप्रोच था लेकिन मुझे लगा कि मेंस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो मैंने मेंस पे ध्यान दिया था। और इसके अलावा एक चीज ये है कि आपका एनवायरमेंट कैसा रहता है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती हैं तो उनको आपको कैसे डील करना है, ये प्रिपरेशन फेज है, ये भी एक तरीके का एक जर्नी है जो आप फेस करते हो। ये भी किसी न किसी के साथ होता होगा और या फिर हो रहा होगा, या फिर अगर आप रिलेट कर पाए। जैसे कोविड टाइम्स में वैकेंसीज नहीं थी और कोविड टाइम में सब घर पे थे, तो मेरे साथ ये था कि मुझे थोड़ी एंजाइटी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ पर्सनल चीजों को लेके, तो उसको भी डील करना, थोड़ी घबराहट भी रहती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा। और प्रिपरेशन करते टाइम भी ये आपको लगेगा, जैसे अगर आज मैं पढ़ रहा हूं तो शाम को लगेगा कि अरे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, या फिर कभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की है और मैं सिलेक्शन के नजदीक पहुंच रहा हूं, मैं अपने कोर्सेज जो टॉपिक्स उनको कंप्लीट कर रहा हूं और मैं बहुत नजदीक पहुंच रहा हूं। और कभी लगेगा आपको कि मैं बहुत दूर हूं, मेरे से बहुत लोग आगे हैं, या फिर कभी आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे अनटिल अनलेस जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीजें स्थिर हो जाती हैं। तो इन चीजों से भी डील करना है। ये फेज आएगा आपकी लाइफ में जब आपको महसूस होगा कि सब कर ले रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो ये दिमाग में आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस समय पे भी आपको अपनी किताबों के साथ लगे रहना है, पढ़ते रहना है, और जब वैकेंसी आ जाए और जब तक रिजल्ट ना डिक्लेयर हो जाए तब तक आपको पूरी दिन रात एक कर देना है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो, छूट ना पाए, या फिर कहीं मैं टाइम वेस्ट ना कर दूं जिसकी वजह से मैं कुछ टॉपिक्स ना कवर करूं। मतलब पूरा एक एफर्ट जो कहते हैं उस वैकेंसी के दौरान और उसके पहले आपकी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो जैसे मेंस के समय पे मैं कमरे से बाहर नहीं जाता था ज्यादा, अपने 15 अप्रैल तक, वहीं को एग्जाम था 25 का, तो मैं 15 अप्रैल तक अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया था और रिवीजन किया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मैं डिससैटिस्फाई था इस चीज को लेके कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस, जब सही समय था 3 महीने का टाइम मिला था तब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने सोचा था कि पहले जो सब्जेक्ट है उनको एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेता हूँ, फिर जो समय बचेगा मैं राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन जब 2 बार पढ़ने में बहुत ज्यादा समय निकल गया, 2 महीने खत्म हो गए, तो जब कम दिन बचे तो फिर मैंने जब लिखने की बारी आती थी जब मैं लिख रहा था तो समय लगता था, तो मुझे लगता था कि लिखने से अच्छा है कि मैं रिवाइज कर लूं। लेकिन ये आपको गलती नहीं करनी है, हर कैंडिडेट के लिए बराबर समय मिला हुआ था 3 महीने का। तो अगर अपकमिंग वैकेंसीज में जितना भी समय मिले तो आप उनको ले करके राइटिंग प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना,
राइटिंग प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी तो आपका कंटेंट नहीं छूटेगा। जैसे मेरे कई टॉपिक्स मतलब ऐसे थे कि मुझे कंटेंट आते थे बहुत ज्यादा, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड शायद धीमी थी और मैं इस बात का गिल्ट हो रहा था उस समय लिखते वक्त कि मैंने क्यों नहीं राइटिंग प्रैक्टिस किया। मैंने वैकेंसी आने के पहले बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की थी और शायद इसी बात का एक तरीके से दिमाग में ये था कि चलो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की है, मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उस दौरान जो टाइम मिला है मेंस का, उसी में आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। और राइटिंग प्रैक्टिस से आपकी स्पीड मेंटेन होगी और आप और उससे ज्यादा कंटेंट लिख पाओगे, चीजों को लिख पाओगे। तो आप अच्छे कंटेंट लिखोगे तो बेशक जो एग्जामिनर है वो खुश होगे, आपको थोड़ा सा नंबर मिलेगा आपको अगर आप इम्पैक्ट अच्छा डाल पा रहे हो। तो तीसरी चीज की जो आप मेंस में टॉपिक्स लिखते हो वो लिखने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। आपको मेरा जो अप्रोच था वो मैं तोड़ तोड़ के लिखता था। कहने का मतलब कि सारी चीजों को ब्रेक कर देना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल समन के बारे में पूछा गया है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कि समन क्या होता है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इट, तो समन को कैसे लिखना है, जैसे कि रेलेवेंट प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, फिर उसके बाद से उसका क्या अप्रोच ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उसको उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे मोड ऑफ सर्विस ऑफ संबंध है, जैसे पर्सनल सर्विस, एक्सटेंडेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आपको पैटर्न में लिखना है। एक ये तरीका है। और एक कुछ कैंडिडेट पैराग्राफ में लिखते हैं कि शुरू से स्टार्ट किया और लिखते चले गए, तो एग्जामिनर के सामने अगर दोनों कॉपी आती है तो दोनों में फर्क नजर आता है। एक वो जब वो हेडिंग में लिखा होता है बच्चा, तो एग्जामिनर को लगता है कि वो दूर से ही क्लियर हो जाती है सारी चीजें कि उन्होंने कि इसने बहुत क्लियरली हेडिंग बना के रीजंस स्पेसिफाई कर रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या है समन का, समन की डेफिनेशन कहाँ है। तो एग्जामिनर को ढूंढना नहीं है, उनको हेडिंग में मिल गई है और उन्होंने डेफिनेशन पढ़ लेना, अगर मन किया डेफिनेशन पढ़ने का तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कैंडिडेट दूसरा पैराग्राफ में ही लिखा है, उसने कोई हेडिंग नहीं डाला है, तो वहां पे एग्जामिनर को एक एक लाइन रीड करना होता है, उसमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज खुद ढूंढते हैं जो एग्जामिनर है। तो मुझे लगता है वो उसी चीज में फर्क पड़ जाता है, एक पैराग्राफ में लिखना और एक हेडिंग बना के लिखना। तो दोनों में अगर नंबर, अगर पर्सनली मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो नंबर देने की बारी बात आएगी, तो मुझे लगता है कि जब आपने हेडिंग में लिखा है तो एक दो नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये एक हेडिंग में और एक हेडिंग वाला अप्रोच आपका होना चाहिए। और तैयारी के दौरान जो कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी आपको, अप्स एंड डाउन, फैमिली प्रॉब्लम होगी, इस चीज को भी डील करते रहना है और इन सब चीजों से पीछे नहीं भागना है। और सब पहली और आखिरी चीज ये कि दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट गोल है जुडिशरी क्रैक करना, अगर आप करना चाहते हो तो। और किसी के लिए भी लेट नहीं है, कोई एडवोकेट होगा, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई अभी पढ़ाई पीरियड में ही होगा, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। मैं फोर्थ ईयर में ही सीरियस हो गया था कि मुझे एनी हाउ जुडिशरी क्रैक करना है, तो मैंने वहां से अपना धीरे धीरे तैयारी चालू कर दिया था। और उस दौरान हो सकता है आप एंजाइटी फेस करो, कई लोग डिप्रेशन में भी, मैंने झेला है ये चीज, एंजाइटी डिप्रेशन, लेकिन एट द सेम टाइम उसी घबराहट उसी डिप्रेशन में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, नोट्स बनाया है और नोट्स को। हाँ, एक और चीज, जैसे आप नोट्स, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सीपीसी है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर आप इसके मेंस के नोट्स बनाओगे तो एटलीस्ट मुझे लगता है दो कॉपी या ढाई कॉपी, तीन कॉपी लग जाएगी आपकी, अगर आप एक एवरेज कॉपी उठाते हो 50-70 रुपए वाली, और नहीं तो अगर आप एक बड़ा मोटी कॉपी उठाते हो तब भी वो एक एटलीस्ट लमसम काफी पेजेस में कवर होगा। तो मेरे एक ये एडवाइस रहेगा कि आप उन नोट्स को एटलीस्ट दो बार पढ़ो और पढ़ के उन नोट्स को कंसाइज करो। तो जैसे मेरा सीआरपीसी का नोट्स जो है वो दो कॉपी में था, तो जब मैं दो कॉपी को देखता था तो मुझे घबराहट होती थी कि मैं उन दो सब्जेक्ट को कैसे उन दोनों कॉपी को मुझे रिवीजन करना है। तो मैंने उसे क्या किया था, 64 पेज में या 65 पेज में या 60 पेजेस में, यानी 30 पन्ना, तो उसमें मैंने उनको छोटे छोटे करके उनको लिख दिया था। तो अब दोनों को मैं सामने अगर रखूं तो कोड ऑफ क्रिमिनल जो नोट्स है वहां पे दो कॉपी भरी हुई है और यहाँ पे 30 पन्ने का नोट्स है, तो मेरा बर्डन पहले ही रिलीज हो जाता था कि चलो मुझे बस 30 पन्ना पढ़ना है, यानी 60 पेजेस पढ़ने हैं, अगर मैं 60 पेजेस पढ़ लेता हूं तो मेरी सीआरपीसी रिवाइज हो जाएगा। उसके
बाद भी उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी मैंने उस 30 पन्ने को कंसाइज करके 15 पन्ने में कर दिया था, यानी 28 पेज आप कह लो, तो उसको भी मैंने कंसाइज कर लिया था। और अब की बार सिर्फ हेडिंग हेडिंग मैंने डाला था और उसके आंसर्स मेरे दिमाग में रहते थे। तो जब नजदीक आएगा समय मेंस का, मेंस के एग्जाम के डेट जब नजदीक आएंगे, तो उसमें होगा क्या, आपके लिए फायदा यही करेगा, वो जो 2 कॉपी 3 कॉपी के जो नोट्स हैं उसमें आप हो सकता है घबरा जाओ, एंजाइटी हो जाए कि अरे इतने सारे नोट्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, मल्टी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, तो उसमें दिक्कत होगी। तो मेरे तरफ से ये एक एडवाइस रहेगा कि आप उसको कंसाइज कर लो, बहुत छोटे छोटे में आप एटलीस्ट आप समझ पाओ, दूसरे समझ पाए ना पाए ये फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप इतना कंसाइज कर लो कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो। तो जब नजदीक आएगा समय मेंस का, मेंस के एग्जाम के डेट जब नजदीक आएंगे, तो उसमें होगा क्या, आपके लिए फायदा यही करेगा। तो मेरे तरफ से ये एक एडवाइस रहेगा कि आप उसको कंसाइज कर लो, तो अपने नोट्स को बहुत कंपाइल करके इतना करो कि 30 पेज में फाइनल जो आपका कलेक्ट हो नोट्स, तो वो 30 पेजेस में फाइनल आपका कलेक्शन हो उस नोट्स का, तो उसको जब आप रिवाइज करोगे तो ट्रस्ट मी आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। तो ये एक तरीका था, यही मुझे लगता है कि एक रैंक अच्छा ले गया। डिसटिस्फेक्शन बस इस बात का था कि राइटिंग प्रैक्टिस जरूर आप करना, मैंने नहीं किया था, तो अगर कोई राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से करता है तो नो डाउट ट्रस्ट मी उसे बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छी सिलेक्शन तो होगा ही, रैंक भी इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ प्रोसेस थे और ये 3 चीजें थी कि प्री में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कि आप चीजों को डिवाइड कर दें, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको मगअप करो, केस लॉ भी पढ़ो, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, सेक्शंस की इंडेक्सिंग याद होना चाहिए, उसका क्रक्स पता रहे, और उसके अलावा आप जब चीजों को छोड़ो नहीं, जैसे रात में टहल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो चीजों को दिमाग में चलते रहे कि संबंध क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है, आईपीसी का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया हुआ है, ये सारे ऐसे दिमाग में चलते रहने चाहिए। आप उस चीज से कभी भागो मत, कभी रिलैक्स मत लो, तब तक एटलीस्ट रिलैक्स मत करो जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही हो जाएंगे कि चलो ये एटलीस्ट काम आया। तो यही मेरी जर्नी रही है और डूज एंड डोंट्स में यही है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको चलना है और सारी चीजें नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले वो पढ़ो, फिर जो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ो, जो अनटस्ट क्वेश्चन रहते हैं एटलीस्ट उनके बारे में जान लो कि हाँ एटलीस्ट जब क्वेश्चन अगर पैटर्न चेंज हो जाए, पैटर्न बदल जाए जैसे हुआ था इस बार, तो एटलीस्ट आप 1-1.5 पेज उसके बारे में लिख पाओ, तो वही 1-1.5 पेज आपका 2-4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला पाएगा। यही मेरा अप्रोच था और पैटर्न इस बार का बदला हुआ था नो डाउट, तो मुझे लगता है या तो ये पैटर्न या तो पुराना पैटर्न रहेगा हर बार। अब तो अब दिन पर दिन कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, तो यही अप्रोच आपका रहना चाहिए, स्मार्ट स्टडी, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं और मेजर सब्जेक्ट और छोटे सब्जेक्ट हैं दोनों पे इक्वली ध्यान देना है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यही अप्रोच रहना चाहिए। फीएड स्टडी सर्कल से कुछ मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे बीच बीच में मैं परेशान हो जाता था कि क्या मेरा अप्रोच जीएस को लेकर सही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो सर को मैंने मैसेज किया था कि सर क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे, तो उन्होंने कहा हाँ, और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने काफी चीजें हल्की कर दी थी मेरी कि आपका इन इन टॉपिक्स पे जैसे कि आपका फोकस होना चाहिए जो एटलीस्ट बर्निंग इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, जैसे इंटरव्यू गाइडेंस में मैंने एक बार सर को फोन किया था कि कैसा अप्रोच होना चाहिए मेरा इंटरव्यू के लिए, तो सर ने बताया था कि जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं मणिपुर क्राइसिस आर्टिकल 370 पे, इनके स्पेसिफिक आर्टिकल्स कहाँ दिए हुए हैं, आर्टिकल्स में कंटेंट क्या है, प्रोविजन क्या कहता है, इन सब बातों पे ध्यान रखने की जरूरत है और एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको आंसर करना है, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सिंपली ना बोल देना है, सॉरी के भी हो सकता है मार्क्स मिलते हो और आपका इंटरव्यू ठीक होगा, ये सर की तरफ से गाइडेंस था और बहुत थैंकफुल हूँ कि एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे एक चीजें शेयर करने का, सो थैंक यू सो मच सर, और बाकी ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक फुल डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप अप्रोच रखते हो, पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट हो, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।